ओम शांति। आज की तारीख है 23/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, क्योंकि वो त्रिनेत्री हैं। उन्होंने आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोला है जो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा के कारण बंद था। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर के धक्के क्यों खाते हैं? कारण आइए सुनते हैं। कारण उत्तर दे रहे हैं बाबा, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे भी किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया ना हम सभी का। तुम निश्चय से कहते हो कि बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर शिक्षाएं। नंबर एक, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। नंबर दो, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास डालना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मास्टर का अर्थ ही है हर शक्ति। जिस समय हमें चाहिए तो हम आवाहन करें और वो शक्ति प्रैक्टिकल में हमें अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। ऐसे भी नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में नहीं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य न करे। इसलिए हमें शक्तियों को अपनी ऑर्डर से चलाना है, एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।